देख रहे हैं फेसबुक लाइव, हम अशोक नगर में है इस वक्त। वार्ड क्रमांक कितना अपना? 160 में हम अपने महाविकास अघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार, कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार, सर समाज के चहेते, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष, पूर्व गृह राज्य मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब के चुनाव के लिए हम डोर टू डोर कैंपेन करने इस वक्त जा रहे हैं। देख सकते हैं जबरुल्ला फारूकी जी यहां पर नेतृत्व कर रहे हैं 160 का इस वक्त। और यह डोर टू डोर कैंपेन हम घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और उन्हें वोट देने की अपील करेंगे। आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में यहां पर म्युनिसिपल उर्दू शाला का अगर किसी ने निर्माण किया है तो नसीम खान साहब ने किया है। ये मैं अपने लाइव के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि कुछ लोग जो सवाल उठाते हैं नसीम साहब ने क्या किया, तो उन्हें मैं पहला जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर म्युनिसिपल शाला स्कूल है नसीम खान साहब ने बनाया। और अगर यहाँ पर पानी की सुविधा अगर नसीम खान साहब ने किया है तो होम गार्ड के अंदर लाखों लीटर का पानी का टाकी बनाकर यहाँ पर लोगों को पानी पहुँचाने का काम किया है। और तमाम ऐसे 20 सालों में ये सारे रोड कई बार बनाए गए और रोड बनते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस वक्त 3 नंबर खाड़ी में पहाड़ी गिरी थी, सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी उस वक्त यहाँ पर बाजू में ही कब्रस्तान उन्होंने बना के दिया। तमाम ऐसे हर समाज और हर धर्म के लिए नसीम खान साहब ने काम किया है। और मैं आज यहाँ पर आप सभी लोगों से अपील करने आया हूँ नसीम खान साहब की तरफ से कि 20 नवंबर को चुनाव है, सुबह 7 पोलिंग बूथ पर जाकर पंजे की बटन दबाकर फिर से अपने वही नेता नसीम खान साहब को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाए। क्योंकि जिस हिसाब से आज महंगाई बहुत है, महंगाई के खिलाफ पंजे को वोट करें, भ्रष्टाचार गद्दारों को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को वोट करें पंजे के निशान पर। और हमारे चांदीवली में इतना तो भ्रष्टाचार, जितना भ्रष्टाचार इन 5 सालों में ही हुआ है उतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि चांदीवली में 40 शौचालयों को ये बेच डाले हैं ये लोग, और बेचकर डबल महला बनाकर उसे कॉन्ट्रैक्ट में दे डाला है। ये बेचना हुआ, जनता से पैसा वसूला जा रहा है। नसीम खान साहब के टाइम पे शौचालय में 1 रुपया नहीं लिया जाता था, लेकिन अभी ये सरकार ने पूरे शौचालय को कॉन्ट्रैक्ट पर बेच डाला और जनता से पैसा लेकर शौचालय का सुविधा दे रहे हैं। तो फिर ये कौन सा सुविधा सरकारी सुविधा फ्री का होता है? मैं यहाँ पर कचर कुंडी में कचरा साफ नहीं हुआ, उसका घोटाला हो गया। आज अगर यहाँ पूरे चांदीवली क्षेत्र में बारिश में अगर कचर की साफ सफाई हुई होती तो क्षेत्र में पानी नहीं भरा होता, लेकिन इन्होंने कागजों पे साफ सफाई करके उसका जो भी फंड था वो खाके गटक गए। इसीलिए मैं तमाम यहाँ के रहने वाले हमारे सभी प्रिय सम्मानित भाइयों बहनों सभी लोगों से अपील मैं कर रहा हूँ नसीम खान साहब की ओर से कि आप लोग 20 नवंबर को सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ पर जाकर फिर से नसीम खान साहब को अपना आमदार बनाए। हमारा नेता कैसा हो, हमारा आमदार कैसा हो, हमारा आमदार कैसा हो, नसीम खान की निशानी, नसीम खान की निशानी, राहुल गांधी की निशानी, राहुल गांधी की निशानी, उद्धव साहब की निशानी, उद्धव साहब की निशानी, शरद पवार की निशानी, अखिलेश यादव की निशानी, तमाम यहाँ के रहने वाले प्रिय सम्मानीय भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, बहुत हुई महंगाई, महंगाई कम करने के लिए कांग्रेस को वोट करें, पंजे को वोट करें, पंजे को वोट करें, गैस सिलेंडर का भाव कम करने के लिए पंजे को वोट करें, कांग्रेस को वोट करें और अपना आमदार नसीम खान को बनाएं। तमाम यहाँ के सभी भाई और बहनों से जिन्होंने आज तमाम काम किए हैं उन्होंने हमें याद रखना चाहिए, कब्रिस्तान भी नसीम खान साहब ने ही बनाया है। आइए याद रखें 20 नवंबर आने वाले 20 तारीख 7 बजे पोलिंग बूथ पर जाकर पंजे की बटन दबाकर अपने नेता नसीम खान साहब को फिर से भारी बहुमतों से विजयी बनाए।
उद्धव साहब ठाकरे का कहना है सरकारों को सबक सिखाना है, अब पंजे का बटन दबाकर नसीम खान को जिताना है। महाविकास अघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार नसीम खान जिनकी निशानी हाथ का पंजा 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 पंजा, पंजे का बटन दबाए और नसीम खान को जिताए। महंगाई से मुक्ति पाने के लिए पंजे का बटन दबाए, भ्रष्टाचार बचाव को सबक सिखाने के लिए पंजे का बटन दबाए। कचरे से बटाला करने वाले को बनाने के लिए पंजे का बटन दबाए। तुम लोग थोड़ा जब पब्लिक आ रहे, तुम लोग थोड़ा जब नसीम खान साहब की निशानी हाथ का पंजा हाथ का पंजा हाथ का पंजा, भ्रष्टाचार करतारों को सबक सिखाना है और नसीम खान को जिताना है, पंजे की बटन दबाना है। 20 तारीख भोलेना तमाम शरीरों से अपील ये है कि उद्धव साहब ठाकरे का कहना है कि गद्दारों को सबक सिखाना है और पंजे का बटन दबाना है और नसीम खान को जिताना है। 20 हाथ का पंजा आप सभी लोगों से गुजारिश, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। नेता कैसा हो, नसीम भाई जैसा हो, नेता कैसा हो, नसीम भाई जैसा हो, नसीम भाई आगे बढ़ो हमारी निशानी, नसीम भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अपनी निशानी हाथ का पंजा, अपनी निशानी हाथ का पंजा, अपनी निशानी आपके पंजे में वोटिंग कर देना, तुम्हारा अधिकार है करना जरूरी है, कर देना। यही नहीं सोचना चिट्ठी आएगा तुम्हारा दोनों वोटर आई डी रहेगा, लेकिन चले हमारे कार्यकर्ता रहेंगे बता देंगे। आपका अधिकार है, तमाम सभी लोगों से यही अपील है कि कांग्रेस को वोट करें, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों से। सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ पर जाकर पंजे वाली बटन दबाकर नसीम खान को जिताएं, जिनकी निशानी हाथ का पंजा पंजा पंजा। काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। आइए हाथ के पंजे पर मोहर लगाएं। हमारा आमदार कैसा हो, हमारा आमदार कैसा हो, नसीम खान जैसा हो। देखिए अभी यहाँ पर हम प्रचार अभी खत्म कर रहे हैं, पहले सुबह का, अभी शाम को फिर 4 बजे से है, आप सभी लोग को आना है। आप सभी लोग सुबह से यहाँ पर आए, प्रचार किए, लोगों को घर घर तक गए, मैं इसके लिए नसीम खान साहब की ओर से आप सभी लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज, जय कांग्रेस। ऐसे गद्दार भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए पंजे का बटन दबाएं और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाए। महाविकास
विकास अघाड़ी की सरकार बनाए। उद्धव साहब ठाकरे का कहना है कट्टरों को सबक सिखाना है, अब पंजे की बटन दबाना है और नसीम खान को जिताना है। तमाम यहाँ के प्रिय रहवासी, मैं आ गई जाऊँ। नसीम खान, नसीम खान, हम सब की निशानी, हम सब की निशानी। तमाम सभी लोगों से अपील है 20 नवंबर याद रहे, 20 तारीख को पंजे की बटन दबाना है और नसीम खान गद्दार भ्रष्टाचार को नहीं काय को नसीम भाई आगे बढ़ो, हमारी निशानी, हमारी निशानी, शहर की निशानी, तुम्हारी निशानी, नसीम भाई आगे बढ़ो, सोनिया गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, नसीम भाई आगे बढ़ो, आपका बच्चा आया अपील है कि 20 तारीख को मतदान है, चुनाव वोट देना आपका अधिकार है। पंजे की बटन बोरिंग लगाई अरे नारा लगाओ नसीम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भूखने तो चलो नारा लगाओ, हमारा नेता कैसा हो, नसीम भाई जैसा, हमारा नेता कैसा हो। तमाम सभी लोगों से अपील है, खाने का तेल का भाव महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, सारे चीजें महंगा कर दिया, फिर ऐसे भ्रष्टाचारी लुटेरी सरकार को भगाने के लिए हाथ के पंजे पर अपना चुनाव बटन दबाए और नसीम खान को जिताए। उद्धव साहब ठाकरे का कहना है गद्दारों को सबक सिखाना है, अब पंजे का बटन दबाकर नसीम खान को जिताना है। तमाम सभी लोगों से अपील है कैसे भ्रष्टाचारी ऐसे गद्दार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पंजे का बटन दबाए। महंगाई कम करने का एक ही इलाज, पंजे की बटन दबाना है और नसीम खान को जिताना है। तमाम यहाँ के सभी रहने वाले प्रिय सम्मानीय भाइयों बहनों बुजुर्गों युवा साथियों, 20 तारीख याद रहे, आने वाली 20 तारीख को पंजे की बटन दबाकर नसीम खान साहब को अपना एक आमदार बनाए। नसीम खान की निशानी हाथ का पंजा, पंजा, पंजा। तमाम सभी लोगों से अपील है, राहुल गांधी की निशानी, सोनिया गांधी की निशानी, प्रियंका गांधी की निशानी, अखिलेश यादव की निशानी, गैस सिलेंडर का भाव कम करने के लिए पंजे का बटन पर वोट कीजिए। हाथ का पंजा गैस सिलेंडर का भाव कम करने के लिए पंजे का बटन दबाइए, गैस का भाव कम होगा।
तमाम सभी लोग यहाँ के रहने वाले सभी भाइयों से यही निवेदन है, गुजारिश है कि आप सभी लोग महंगाई कम करने के लिए, संविधान बचाने के लिए,